हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द एक्स्ट्रा क्लासेस चैनल। आज हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। इसके अंदर वायर टू टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के अंदर ऑप्टिकल फाइबर केबल। पहले हमने वायर्ड के अंदर दो टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, एक तो ट्विस्टेड पेयर केबल, दूसरा है अपना इसके अंदर कोएक्सियल केबल। अब आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे ऑप्टिकल फाइबर केबल। इसके अंदर पढ़ना है हमें नेक्स्ट पॉइंट। यह एक नई प्रकार की तकनीक है। इस केबल में ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव्स, यानी संकेतों का संचरण जो है वो प्रकाश की तरंगों के रूप में होता है। इसमें केवल डिजिटल सिग्नल का ही ट्रांसमिशन होता है। यह केबल बहुत ही पतली और लचीली होती है और इसमें एक अकेली ऑप्टिक फाइबर केबल का व्यास लगभग 2 से 125 माइक्रोमीटर होता है, जो कि एक आदमी के बाल से भी क्या होता है, पतला होता है। ये क्या होता है, एक नई टाइप की टेक्नोलॉजी। आजकल सबसे ज़्यादा ऑप्टिकल फाइबर्स आप लोगों ने सुना ही होगा, उस तरह की केबल्स चल रही है। तो पहले हमने ट्विस्टेड और कोएक्सियल केबल पढ़ चुके हैं, अब है ऑप्टिकल फाइबर, जो कि न्यूली मॉडर्न टेक्निक है। इसके अंदर केबल बहुत ही पतली और लचीली होती है और ये अकेली ऑप्टिकल फाइबर केबल का व्यास कितना होता है, यानी व्यास यानी डायमीटर, इसका व्यास लगभग 2 से 125 माइक्रोमीटर होता है, जो कि एक आदमी के बाल से भी क्या होता है, पतला होता है। इसमें लंबी दूरी होने पर भी सिग्नल की तीव्रता कम नहीं होती है और इसलिए इसका प्रयोग लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, लंबी दूरी संचार और गुप्त संकेतों के ट्रांसमिशन हेतु होता है। इसमें पॉइंट टू पॉइंट इंस्टॉलेशन होता है। इसका सबसे भीतरी भाग यानी कि कोर जो है वो कांच या प्लास्टिक का बना होता है। उसके चारों ओर कांच की पतली परत चढ़ी होती है और इस परत का अपवर्तनांक कोर की तुलना में क्या होता है, कम होता है। कोर क्या है, सबसे भीतरी भाग है और उसके चारों ओर एक पतली कांच की परत चढ़ी होती है और इस परत का जो अपवर्तनांक है इसके अंदर, इंडेक्स नंबर जो है वो कैसा है इसके अंदर, इसकी तुलना में अंदर वाले की तुलना में क्या है, कम होता है। OFC की कोर्ड पर चढ़े कांच की परत को क्लैड कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, अपवर्तनांक कम होने के कारण प्रकाशीय किरणें या प्रकाशीय संकेत अपवर्तन के बजाय परावर्तित हो जाते हैं और इस कारण ऑप्टिकल फाइबर केबल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। इस परावर्तन के कारण प्रकाशीय संकेत कोर में ही ट्रांसमिट होते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, इसलिए सिग्नल की स्पीड अधिक होती है और ये वीक नहीं पड़ते हैं। OFC में कांच की परत के चारों ओर एक आवरण और होता है जो इसे मजबूती प्रदान करता है। ऑप्टिकल फाइबर अधिक पतला होने के कारण हजारों प्रकाशीय तंतु एक ही केबल में फिट हो जाते हैं, यानी कि कम जगह पर ज़्यादा काम। यह केबल विद्युत संकेतों को प्रकाशीय संकेतों में कन्वर्ट कर भेजता है, जिससे उनकी फास्ट स्पीड और डाटा सिक्योरिटी, यानी कि जो उसकी तीव्र गति है और उसकी डाटा की सुरक्षा है, वो बढ़ जाती है, अधिक होती है। और इसमें डाटा संचार की दर कितनी हो गई, 100 Mbps से 2 Gbps होती है। OFC द्वारा भेजे जाने वाले संकेतों पर किसी प्रकार के इंटरफेरेंस यानी कि दखलअंदाजी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इसमें सिग्नल या डाटा के ट्रांसमिशन में कोई त्रुटि न के बराबर होती है, यानी कि कोई त्रुटि इसके अंदर नहीं होती है, यानी कि दखलअंदाजी का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। यानी सबसे बेस्ट जो फाइबर केबल बताई गई है इसके अंदर, ऑप्टिकल फाइबर केबल बताई गई है। इसके अंदर जो तीन हमने पढ़ी है आज वही बहुत है। इसके अंदर है वायर ट्रांसमिशन मीडिया। सबसे पहले हमने कंप्यूटर कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा कि कंप्यूटर संचार होता क्या है। इसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट थिंग्स, तो इतना हमने पढ़ लिया था, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। उसके अलावा हमने ट्रांसमिशन मीडिया के टाइप्स भी देख लिए हैं कि कौन कौन से होते हैं, वायर्ड और वायरलेस, जिसके अंदर हमारा आज वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया कंप्लीट हो चुका है। ट्विस्टेड पेयर केबल था, जो कि ट्विस्टेड टाइप में होता है, इस तरह से आपस में गुंथे हुए। दूसरा था हमारे पास इसके अंदर कोएक्सियल केबल, जो कि इस तरह का होता है। और तीसरा हमने पढ़ा था इसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर केबल, जो कि आज हमारा ये टॉपिक था, ऑप्टिकल फाइबर केबल, जो कि आजकल मॉडर्न टाइम में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला, सबसे मॉडिफाई और सबसे हाई क्वालिफाई जो केबल है वो ये वाला है। और इसके अंदर हमें स्ट्रक्चर भी पढ़ी है इसके अंदर, और कल हम पढ़ेंगे वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। थैंक यू सो मच।